असम में भी सीआईडी वगैरह लगा के ओपोजिशन के नेताओं के ऊपर केस किए जा रहे हैं, और कोशिश ये है इनकी कि इस देश को विपक्ष विहीन करना है, ओपोजिशन लेस करना चाहती है ये सरकार, तो हम उसके खिलाफ एकजुट हैं। आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, सकारात्मक चर्चा है, और इसके नतीजे बहुत दूर प्रभावी भी होंगे। इस तरीके से हम आगे भी अभी मुलाकात करेंगे, 2-3 दिन के बाद हमारी एक मीटिंग होगी और फिर हम एक जॉइंट स्टेटमेंट भी डिक्लेयर करेंगे। ये हमारी चर्चा हुई है तो काफ़ी अच्छा है, आप लोग को 2-3 दिन में बड़ी अच्छी खबरें मिलने वाली। आप लोगों का चर्चा बहुत बार हुआ है, लेकिन आप लोगों ने जो 3 पार्टी डिसाइड कर दिया उसके बारे में क्या बातचीत हुआ है? देखिए, अब इंडिया अलायंस का जो दिल्ली में हमारा समझौता हुआ या पंजाब में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके अनुसार परिस्थितियां थोड़ी बदली हैं, उसी विषय में हमारी और चर्चाएं होंगी और बातचीत होंगी, और एक फाइनल हम 2-3 दिन के अंदर एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे। ये तीनों जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका जो आप लोगों ने जो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर किया है 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी का, वो बदल भी सकता है, कैंसिल भी होगा शायद? नहीं, ऐसी संभावना कम है, हमारी चर्चा बड़ी पॉजिटिव हुई है, और देखिए राजनीति है, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को क्यों हराना है उसका एक बहुत ही सही कारण ये है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस देश की गणतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है, इस देश के लिए संविधान के लिए खतरा बन चुकी है, और हमें एकजुट होकर उसका सामना करना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या किसी दूसरे दल की सिर्फ लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है, इस देश की गणतंत्र को और संविधान को बचाने की लड़ाई है, तो हम मिलकर लड़ेंगे। आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ही हम आप लोग को एक जॉइंट स्टेटमेंट देंगे। जहाँ तक है पंजाब और दिल्ली में जो समझौता हुआ है आप लोगों के बीच में, उसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी रहेगा? देखिए, इंडिया अलायंस के हम पार्ट हैं, इंडिया अलायंस हम मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और उसमें पंजाब में भी हमारी कुछ डिस्कशन हुई हैं, डिसीजंस हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आज असम में भी पड़ेगा। हम इंडिया अलायंस के पार्ट हैं, हम एकजुट हैं, ये मैसेज देश को जाना चाहिए, ये मैसेज असम को भी जाना चाहिए कि हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। हर एक दिन में आप लोगों का ये बैठक हो रहा है, अभी क्लियर पिक्चर कब तक आएगा? 2-3 दिन में, 2-3 दिन में हम आप लोग को बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देंगे। यही 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेंगे आप लोगों के डिमांड में, या फिर इसके संख्या भी बढ़ सकती है? इस पे हमारी काफ़ी चर्चा हुई है और सारे प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है, बड़ी पॉजिटिव चर्चा हुई है, और क्वेश्चन सबसे बड़ा सवाल यहीं पे है, इसी का जवाब आप लोग को 2-3 दिन के अंदर मिलेगा जब हम ज्वाइंट स्टेटमेंट डिक्लेयर करेंगे। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।